मोदी के 70वें जन्मदिन को यूथ कांग्रेस ने राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया। बीकानेर के जसूसर गेट पर बेरोजगार युवाओं ने और बूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मुख्य गेट पर पकौड़े बनाए और उसके बाद युवाओं ने पीएम के खिलाफ नारेबाजी की। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री मोदी से बेरोजगारों से रोजगार दिए जाने की मांग की। इस मौके पर बीकानेर में समय अनाचार संवाददाता के सिंह ने पकौड़े बनाते वालों से भी बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का आज जन्मदिन है और जन्मदिन के इस उपलक्ष्य पर कांग्रेस भी इस जन्मदिन को अनूठे तरीके से मना रही है। देख सकते हैं आज इस जन्म दिवस के अवसर पर यहाँ पर जो आयोजन हो रहा है, खासतौर पर पकोड़े बनाने का आयोजन हो रहा है। यहाँ पर पकोड़े बनाए जा रहे हैं। क्यों बनाए जा रहे हैं, ये कांग्रेस बना रही है जन्मदिन, ये भी सोचने वाली बात है। बीकानेर के यूथ कांग्रेस के ये लोग हैं जो बना रही है, क्या है थोड़ा बात करना चाहेंगे। अरुण जी बताएं क्या है मामला। आज देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है और भारतीय युवा कांग्रेस ने पूरे देश में आज राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। आज से 6 वर्ष पहले पूरे देश में बड़े बड़े होर्डिंग लगे थे, बहुत देखी बेरोजगारी की मार, अब की बार मोदी सरकार। मोदी जी ने पूरे देश के युवाओं को ये वादा किया था कि 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष वो देंगे, लेकिन आज 6 वर्ष बीत जाने के बाद 30 करोड़ से ज़्यादा युवा देश में बेरोजगार है। तो युवा कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता और हमारे साथ में काफ़ी युवा ऐसे हैं जिनकी शिक्षा ग्रेजुएशन पूरी हो गई, जिनकी पीजी कंप्लीट हो गया और आज उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है, तो हम विरोध स्वरूप, जैसा कि मोदी जी और अमित शाह जी कहते हैं कि रोजगार पकौड़े तलना भी एक रोजगार है, तो आज उनके जन्मदिन पर हम लोग पकौड़े तलकर और ये विरोध जता रहे हैं और उनसे मांग करते हैं कि देश के युवाओं को रोजगार दें। मोदी जी से ये कहना चाहते हैं, हम युवा हैं, हम बेरोजगार हैं और हमें रोजगार चाहिए, तो हम पकौड़े तल के हम विरोध दर्ज करवा रहे हैं कि भाई हम पकौड़े तल के हम रोजगार मिल सके। हमें रोजगार खत्म हो गए, रोजगार खत्म हो गए, मोदी सरकार के अंदर रोजगार 6 साल से रोजगार खत्म हो गए, इसलिए हम विरोध कर रहे हैं। यहाँ पर लोगों का कहना है और युवाओं का कहना है, बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं, अनूठे तरीके का प्रदर्शन है, खासतौर पर बीकानेर की यूथ कांग्रेस के द्वारा। देखने वाली बात होगी कि क्या इसका परिणाम आता है।